हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और बहुत दिन बाद मैं यहाँ पे कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, और ये रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको, सेपरेशन में हो नहीं हो डजेंट मैटर, ठीक है। हर एक के लिए ये रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है और टाइमलेस है। जब कभी भी ये वीडियो आप देखते हो, डेफिनेटली इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके और आपके पर्सन में। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए और कुत्तों को अवॉइड कीजिए, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट योर पर्सन फीलिंग्स आर करंटली। वाओ, द एम्प्रेस टॉरस एनर्जी है और विद द सिक्स ऑफ वॉन्स है एरीज, लियो और सेगिटेरियस। वैसे तो ये हर साइन के लिए रीडिंग है, तो साइंस पे इतना गौर मत करिएगा। ओके, सो आई थिंक योर पर्सन दे आर वेरी, आई थिंक दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, या फिर दे आर सीइंग यू एज दिस एम्प्रेस। ओके, जहाँ पे आप ब्यूटीफुल हो, आप बोल्ड हो, आप इंडिपेंडेंट हो, सो उन्हें आप यही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप इनको बैक करते हो किसी चीज़ के लिए या इनके पीछे भागते हो। सो ये चीज़ इनको बहुत मैग्नेटाइजिंग और बहुत अमेजिंग लगती है, और ये चीज़ इनको खींचती है आपके पास, और कहीं ना कहीं दे आर क्यूरियस अबाउट यू। वो जानना चाहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, मे बी उनके पास कोई गुड न्यूज़ है आपको बताने के लिए, या फिर कुछ वेरी मच क्यूरियस। ये पर्सन आपके लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं टू नो अबाउट यू, टू गेट टू नो अबाउट यू, और मे बी इनके पास कोई गुड न्यूज़ भी हो, बिकॉज दिस इज़ अबाउट विक्ट्री। मे बी दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग जो कि आपको भी हैप्पी करेगी, या फिर अपनी कोई हैप्पीनेस या गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अबाउट देयर लाइफ, ठीक है। दिस पर्सन सीज यू एज देयर हैप्पीनेस, दिस पर्सन सीज विक्ट्री विथ यू। ये इस रिश्ते को बहुत आगे तक जाते हुए देखते हैं, और इस रिलेशनशिप को बहुत सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। ये आपको अपना मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लड़की हो तो ये डेफिनेटली आपको देखते हैं कि आप उनकी वाइफ बन सकती हो। अगर आप एक लड़के हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो वो देखते हैं कि आप उनके एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकते हो। सो दे हैव रियलाइज योर वर्थ, मुझे लगता है। ओके, वॉट एवर दे हैव बीन गोइंग थ्रू, दे हैव रियलाइज योर वर्थ, वॉट मोर। चलिए, आपके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स अबाउट यू, व्हाट आर दिस पर्सन करंट फीलिंग्स अबाउट यू। एट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। I think this person feels maybe अपने आप को रोक रहे हैं, maybe they are tied down, maybe वो अपने आप को रोक रहे हैं to come back and to connect to you and to talk to you। maybe उन्होंने अपने आप को रोक रखा है, boundaries set कर रखी है, या फिर कोई misunderstanding है जो उन्हें हुई है आपके बारे में, जिसकी वजह से they are not coming forth। या फिर definitely इनके दिमाग में कुछ negative thoughts आ रहे हैं। एक तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर ये अपने आप को नेगेटिव सोच कर रोक रहे हैं, जिससे वो इस रिश्ते के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन। कोई तो इनको दिमाग में कोई ख्याली पका रहे हैं, और वो उस बारे में सोच कर वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। वॉट मैं क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट, हर चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। ओके, वॉट मोर डू वी हैव इन द थॉट्स अबाउट यू, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। पेज ऑफ वॉन्स एरीज, लियो और सेगिटेरियस एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स था। ये एरीज लियो सैज एनर्जी है। जैसे मैंने आपको कहा, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू, एंड अभी आई थिंक वो कोई प्लान कर रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपके करीब आ पाए, या अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, तो जैसे कैसे वो आपसे कनेक्ट कर पाए, कैसे कॉन्टैक्ट कर पाए। सो दे आर इन दिस थिंकिंग प्रोसेस, सोच रहे हैं क्या, कैसे, कब, क्या किया जाए जिससे कि यू नो आपसे कनेक्ट किया जाए। सो दे आर फाइंडिंग वेज मे बी आपसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दे आर इन दिस ब्यूटिफुल डिटर्मिनेशन
कि आपसे कनेक्ट करना है, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है. आई थिंक दे विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इन टू दिस पेज ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, जहाँ पे ये खुद को रोक रहे हैं, एक बाउंड्री सेट कर ली है, नहीं आ रहे बढ़ के आगे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे. वहीं पर दे विल बी स्टार्टिंग रिकॉग्नाइजिंग यू एंड अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ. ओके, दिस इज ऑल्सो इन सम केसेज अबाउट स्पाइंग एंड सीइंग वॉट यू आर अप टू. ठीक है, चलिए और देखते हैं वट दे फील अबाउट यू. थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो आपके साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मे बी उनके पास कोई गुड न्यूज़ है जॉब रिलेटेड या करियर रिलेटेड या कुछ तो है डेफिनेटली जिसमें ये आपके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं. दिस इज ऑल्सो अबाउट री यूनाइटिंग एंड सेलिब्रेटिंग, यू नो, वापस आपके पास आना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, ड्रिंक करना, अगर करते हो तो. आई थिंक वो आपके साथ इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, वेर दे वर पार्टिंग विथ यू, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ले जाते थे या आपके फ्रेंड्स के साथ या वट एवर, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विथ यू, दे वॉन्ट होम कम विथ यू. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर मिसिंग ऑल दिस. एक तो ये मिस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ करना, या फिर वो करना चाहते हैं. दैट इज़ वॉट आई सी, आई विल क्लैरिफाई दैट, डोंट वरी. सो वट मोर डू दे फील? Justice. I think definitely this person, this is a Libra energy and they want to come up with, they want to serve you with justice. वो इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं. हो सकता है उनकी तरफ से कुछ कमी रह गई है, हो सकता है कि आपके तरफ से कुछ कमी रह गई है, तो जो चीज़ें हैं वो बैलेंस करना चाहते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ लिब्रा एनर्जी, दिस वॉज कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी. सो डेफिनेटली दे आर इन दिस वेरी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, या फिर आ जाएंगे बहुत बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स था. तो हो सकता है इस स्टेट में से इस स्टेट में आने वाले हैं वो पर्सन, एंड वो आपको इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, एक मौका देना चाहेंगे इस रिश्ते को, अपने आप को, इस रिश्ते को और आपको. ठीक है, सो ब्यूटिफुल एनर्जी विद दिस लिब्रा एनर्जी हियर. व्हाट मोर डू वी हैव? दे वांट टू बी फेयर विद यू, ये मेरे को लग रहा है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी मुझे ये भी लग रहा है, आई थिंक दिस पर्सन आपको ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं. ये पहली बात तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है, हो सकता आप ही आपके पर्सन हो, बट ये ऑल साइंस के लिए है, तो प्लीज़ मैं जब साइंस बताती हूँ तो कन्फ्यूज मत होइएगा. मुझे लगता है ये पर्सन पोर्ट्रे कर रहे हैं बाहर से, आई एम स्ट्रांग, आई डोंट नीड यू, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव समथिंग, आई हैव एवरीथिंग एंड आई डोंट वॉन्ट यू. बट इन साइड ऑफ दैम, देखिए आखिर इंसान है. ओके, एंड आई सी दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच. तो मुझे लगता है कि ये पर्सन इससे बाहर निकलेंगे एंड दे विल फाइट फॉर यू. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करते हैं. दे स्टिल होल्ड योर मेमोरीज, दे स्टिल होल्ड यू इन देयर हार्ट. उन्होंने अभी तक आपको अगर दिखा रहे हैं आपको छोड़ दिया है या फिर आपसे दूर है, फिर भी आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज अवे फ्रॉम यू. दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव यू. क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, दिस इज़ अ किंग एंड ही इज़ वेरी टेरिटोरियल. ओके, और वो आपको नहीं छोड़ेंगे. दे हैव अर्न्ड यू राइट इन देयर लाइफ एंड दे डोंट वॉन्ट टू, मतलब खोना नहीं चाहते आपको. व्हाट मोर डू वी हैव? प्लीज क्लैरिफाई व्हाट दे आर फीलिंग्स अबाउट यू. द हाई प्रिस्टेस, ये है पाइसिस एनर्जी. आई थिंक दिस पर्सन लाइक समथिंग, ये पर्सन आपके अंदर वो चीज़ देख पाते हैं या वो चीज़ को पिक कर पाते हैं जो मे बी आप अपने बारे में ना जानते हो. दिस पर्सन सीज यू एज अ ब्लेस्ड सोल. ठीक है, ये बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ. वो आपके हर अच्छाई और हर बुराई के साथ आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू वाइट है. सो दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीट. ओके, हु इज़ अ बैलेंस्ड पर्सन. एंड वो ये चीज़ आप में देखते हैं कि यू आर अ वेरी ब्लेस्ड एंड बैलेंस्ड पर्सन. आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, आप काफ़ी एनलाइटेंड हो, आप काफ़ी स्टेबल हो. और ये और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी. एंड मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं माइट बी अ स्पिरिचुअल टीचर, अ गुरु और एक हीलर, टैरो रीडर भी हो सकते हैं या इंटो एस्ट्रोलॉजी हो सकते हैं, जिनकी साइकिक या फिर स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एनलाइटेंड पर्सनैलिटी हो सकते हैं. ठीक है, सो दे सी यू, दे सी दैट ब्राइट शाइनिंग स्पिरिचुअल सोल इन साइड ऑफ यू. ठीक है, एंड बहुत अट्रैक्टेड है. दिस इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन ऑल्सो, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे. वॉट मोर डू वी हैव? या चैरियट,
दिस इज़ अ कैंसर एनर्जी, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू स्टॉप, दे वॉन्ट टू कीप मूविंग, दे हैव फाउंड देयर वे विथ यू, एंड मुझे लगता है इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है टू कीप दिस रिलेशनशिप रनिंग विथ यू। ये सक्सेस देखते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपके साथ, वो सक्सेस देखते हैं, विक्ट्री देखते हैं, शादी और आगे तक लेके जाना चाहते हैं रिश्ते को, मूवमेंट चाहते हैं रिश्ते में। अगर आप दोनों का रिश्ता रुक गया है, स्टेगनेंट हो गया है, सेपरेशन आ गया है, तो दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स फोटो विद यू। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे इस पर्सन के, क्या करना चाहते हैं ये पर्सन, व्हाट डू दे वांट टू डू। नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक दे वांट टू टेक इट स्लो। जैसे मैंने कहा वो आपकी वैल्यू तो डेफिनेटली करते हैं, दिस इज अ टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ये आपकी वैल्यू तो डेफिनेटली करते हैं, बट आई थिंक दिस पर्सन इज राइट नाउ दे डोंट वॉन्ट टू इनिशिएट, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, बट दे वॉन्ट टू शो यू दैट दे आर देयर। मतलब वो आपको एक साइंस, अपने साइंस या अपने बिहेवियर से ये तो दिखा देंगे कि वो है, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बट आई डोंट थिंक डेफिनेटली कि एक पर्सन निकल के आएंगे और कुछ इनिशिएट करेंगे। आगे के कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या है, व्हाट डू दे वांट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, क्या करेंगे आगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव है, पहली बात आपको लेकर, दे टेक यू वेरी सीरियसली, दूसरी बात दे आर वेरी क्लियर अबाउट यू, वो जानते हैं, वो मतलब पूरी तरह से क्लियर है कि दे लव यू, दे हैव, दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ। दूसरी चीज़, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड इनसिक्योर, दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट, एंड मुझे ये भी लगता है दिस पर्सन हैज़ देयर आईज सेट ऑन यू, एंड हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो जहाँ पे एक तो इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में ये पर्सन आपको क्लियर और ट्रुथ बताना चाहते हैं, या फिर अपने आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में ये पर्सन पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जानना चाहते हैं। सो दे वांट टू मे बी ये आपको कुछ कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर मैंने ऐसा किया इस क्यों की, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन कमिंग फ्रॉम देयर साइड। व्हाट मोर डू वी हैव, नेक्स्ट वी हैव इज द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एरीज, लियो, सैज एनर्जी, मुझे लगता है ये पर्सन हर ऑब्स्टैकल से बाहर निकल के आना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है आपके अराउंड बहुत लोग हैं, या बहुत कंपटीशन है, या फिर आपकी फैमिली, या फिर आपके फ्रेंड्स, या फिर कोई लोग जो आपको पसंद करते हैं, द सी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड यू, जिससे वो लड़ना चाहते हैं, जिसको वो हटाना चाहते हैं आपकी लाइफ से, एंड दैट दे विल डू। ओके, यू सी दिस पर्सन इज़ फाइटिंग अगेंस्ट एवरी वन, एंड दैट इज़ वॉट दे आर गोइंग टू डू, आपके लिए लोगों से फाइट करना, आपके लिए लोगों से दूर हो जाना। ठीक है, दे वॉन्ट टू ये हर एक उस ऑब्स्टैकल से भागना या लड़ना चाहते हैं, भागना नहीं, लड़ना चाहते हैं जिसने इस रिश्ते को रोक रखा है, या जो ऑब्स्टैकल बन रहा है इस रिश्ते में। And the bottom of the deck here is five of cups. This is the overall energy this person is into. बहुत सारे, बहुत loss और regret feel कर रहे हैं अपने किसी action का, आपसे दूर रहने का, because you see there are two cups, but this person is just looking at the cups that are fallen. तो ये person अपने वही चीज़ों के ऊपर रो रहे हैं जो ख़त्म हो चुकी है, या फिर that is past dead and gone, but वो देख नहीं रहे हैं कि behind of them there are two cups, and these two cups are from the two of cups जो इस relationship को बनाती है। okay, so this is what is happening। हम लोग ओशोज एंड डेक्स से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं, let's see their state of mind, what they want, what they expect out of you। ooh, change, definitely they want to change a situation, कुछ अगर एंडिंग हुआ है या कुछ सिचुएशन ख़राब हुई है, दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, वो रिलेशनशिप में एक चेंज या शिफ्ट लाना चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट टू चेंज समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट गोइंग वेल। ओके, सो फर्स्ट अ चेंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज दिस पर्सन्स, व्हाट डू दे वॉन्ट। Next we have is the participation. As I told you, this person wants to participate in this relationship. वो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, देखिए रिश्ता दोनों का है, दे हैव रियलाइज्ड इट, एक का नहीं है, तो एक ही पर्सन अगर बार बार काम कर रहे हैं रिश्ते पे, तो दैट विल नेवर बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो दे वांट टू पार्टिसिपेट, एंड वो चाहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करो और उनको एक चांस दो ताकि वो इस रिश्ते को आगे ले जा पाए। व्हाट मोर डू वी हैव,
अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक मैनी ऑफ यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन में हो एंड आपसे दूर रहकर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर, वॉट दिस रिलेशनशिप वॉज, कैसा था ये रिश्ता, क्यों ये एग्जाम्पल, मतलब अगर एक्स वाई जेड कुछ चीज़ हुई है तो क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई, दे वॉन्ट टू नो एवरी थिंग अबाउट इट. सो दिस इज़ वॉट आई सी योर नेक्स्ट. ठीक है, बींग मतलब बाहर रहकर चीज़ों को एनालाइज करना, देखना कि ऐसा है तो क्यों है. शुरुआत में मैंने कहा था कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, तो लेट्स सी एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज दिस एट ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट. ओके, जजमेंट. डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं थी किसी सिचुएशन के बारे में, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. हो सकता कोई चॉइसेस हो या फिर कोई गलत फहमी हो, तो उन्होंने उस चीज़ का पता लगा लिया है. अगर कोई गलत फहमी थी तो एंड दे हैव कम अप विद अ डिसीजन. व्हाट इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स अबाउट, क्या है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर. वाओ, आई टोल्ड यू दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू, कोई बात बताना चाहते. दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. एट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सैज. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट और उसी चीज़ का आई थिंक प्लान कर रहे हैं कि कैसे, क्या बोल के आपसे कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए, हाउ टू ब्रिंग अबाउट दिस कम्युनिकेशन. थ्री ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे. या आई टोल्ड यू, मे बी आप दोनों एक वर्क स्पेस में काम करते हो, एक जगह पे काम करते हो, और अभी मे बी ऐसी सिचुएशन आप दोनों में आ गई है कि आप सिर्फ काम की ही बातें करते हो, उसके अलावा आप दोनों में बहुत खटास है, दोनों बात नहीं करते हो. सो दे आर मिसिंग दोज ओल्ड डेज, क्योंकि ये थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है. और कभी किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन एक और कार्ड निकालती हूँ, बट मुझे ये बात डेफिनेटली लग रही है कि ये पर्सन मे बी आपके साथ काम करते हैं, बट अभी वो सिर्फ काम से काम रख रहे हैं, उतनी ही बात कर रहे हैं आपसे. बट दे आर मिसिंग द टाइम दे यूज टू ड्रिंक विथ यू, पार्टी विथ यू, सेलिब्रेट विथ यू, या फिर एक जस्ट एक काम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है. या हीलिंग, आई थिंक डेफिनेटली दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता ये पर्सन अच्छे से सो पा रहे हैं अगर ये दूर है आपसे, नो कॉन्टैक्ट में स्पेशली. पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें इनको काफ़ी हॉन्ट करती है. ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. डेफिनेटली समवन इज हॉन्टिंग देम, समथिंग इज हॉन्टिंग देम. व्हाट इज दिस जस्टिस अबाउट. द फूल, जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये पर्सन पहले लापरवाह थे इस रिश्ते को लेकर, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते थे, बट नाउ दे विल, दे वॉन्ट टू. व्हाट इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स अबाउट. या गिविंग एनर्जी में आएंगे, पहले ये गिविंग एनर्जी में नहीं थे, नाउ दे आर कमिंग इन दिस गिविंग एनर्जी. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. व्हाट इज दिस हाई प्रीस्टेस अबाउट. एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आई थिंक उन्होंने शायद आपसे दूर रहना ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, बट ऑल दे फील इज वेरी अलोन एंड लेफ्ट आउट. ओके, दे कांट रन अवे फ्रॉम योर मैग्नेटिक अट्रैक्शन. नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया था यहाँ पे उनके एक्शंस में. आई थिंक वो रिलेशनशिप को ठीक से समझ रहे हैं, सिचुएशन को ठीक से समझ रहे हैं, और जो भी करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं. वो अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने अंदर झांक रहे हैं. दिस इज हर्मिट, वर्गो एनर्जी. क्वीन ऑफ सोच क्यों आया था. या सी, उनके लिए उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप हो, ठीक है. दिस इज अ लियो एनर्जी, उनके लिए आप ही हैप्पीनेस हो. जब भी आप होते हो तभी ही ये पर्सन हैप्पी होते हैं. एंड जब उनको दिख रहा है कि यू आर स्ट्रांगली मूविंग फॉरवर्ड, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, जा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो देयर हैप्पीनेस इज ऑल लॉस्ट एंड दैट इज़ व्हाट दे विल बी फाइटिंग फॉर. फाइव ऑफ वंड्स की आया था उनके एक्शंस में. फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है. मुझे लगता है डेफिनेटली किसी कोई सिचुएशन ऐसी थी आपके लाइफ में. एक तो इनको लग रहा था कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं एंड यू डोंट नीड देम, इसीलिए आप उनके कप को इग्नोर किए जा रहे हो, उनके और इमोशंस को इग्नोर किए जा रहे हो. और या फिर आपके लाइफ में बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग हैं, एंड आपके लिए फाइट करना इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी, कितना भी करो कम ही है, ऐसा उनको लग रहा था. ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड. मैंने कहा बहुत लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं. सो दिस इज़ अबाउट कमिंग बैक फुल सर्कल. कोई साइकिल कम्प्लीट हुई है, एंडिंग्स हुए हैं डेफिनेटली, और अभी वो एंडिंग्स कम्प्लीट होके देर विल बी न्यू बिगनिंग्स. ओके, एंड दिस इज अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑल्सो. अभी हम लोग आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं. लेट्स सी सम एडवाइजेस फॉर यू. बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर थ्री
एंड यहाँ पे है टू बी फेयर नंबर 38। देखिए मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली ऑन अ क्रॉस रोड्स, या फिर आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा रहे हो जहाँ पे आप ना तो पास्ट में जा पा रहे हो ना तो फ्यूचर में जा पा रहे हो, आप अटके पड़े हो। ओके सो डोंट डू दिस। आई थिंक कोई तो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते को बैलेंस आउट करना चाहता है, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ से कमी थी कोई, या तो आपकी तरफ से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस होने वाली चीज़ें। व्हाट मोर डू वी हैव एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ बाय द बुक नंबर 11। हो सकता है आपको नंबर 11 या 1111 या 111 दिख रहा हो। आई थिंक कहीं ना हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एक तो, या फिर मे बी आपको आपके दिमाग में यू हैव मेड सम कुछ तो आपने ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ चीज़ें बना के रखना अपने दिमाग में, बिलीव्स कुछ, और यू नो टू गो बाय इट कि ऐसे ही होता है, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ओके, और जिसकी वजह से हम कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वक्त बदलता है, सिचुएशन बदलती है, लोग बदलते हैं, ठीक है, हालात बदलते हैं, जो भी है। सो डोंट गो बाय द बुक। मुझे तो भी लगता है डोंट गो बाय द बुक। एक तो आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन तो ऐसे ही होती रहती है, दिस कीप्स रिपीटिंग, और बहुत ही आपका भी कहना ठीक है, अगर कोई पर्सन बार बार आपके लाइफ में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उनका बिहेवियर नहीं बदल रहा है, इट इज़ अ मैटर टू बी लुक्ड आफ्टर, बट समटाइम्स सिचुएशन चेंज, और आपको अपने अपने थॉट्स को और अपने विचार से ये देखना पड़ता है कि सच में क्या ये सिचुएशन नहीं बदलने वाली, क्या सच में ये पर्सन कुछ अच्छा नहीं लेके आ रहा है इस बार भी। सो सिचुएशन देखिए और फिर एक्ट करिए, एक्ट अकॉर्डिंगली। मुझे ऐसा लगता है कि हर बार सेम स्टेट ऑफ माइंड लेके मत किसी को जज कीजिए, ठीक है। बहुत बड़ी लाइन बोल दी। अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। गाइज़ ये लोग ये चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करो ताकि मैं और ज़्यादा कंटिन्यूस इस चैनल पे भी वीडियोस डाल पाऊँ। फर्स्ट है यहाँ पे सोलमेट, सो यू माइट बी डीलिंग विद अ सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ईगो क्लैशेस, आप दोनों में मे बी ईगो बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको एक साथ नहीं आने देता, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आप दोनों के बीच। नेक्स्ट है कमिटमेंट, तो डेफिनेटली एक तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, या फिर ये पर्सन की तरफ से अगर कमिटमेंट नहीं आ रहा था तो वो आएगा और स्टेबल हो जाएगी सिचुएशन। गिफ्ट्स, ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। ऑन ऑफ और इन एंड आउट, तो ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं या इन एंड आउट सिचुएशन देते हैं, बार बार चले आते हैं चले जाते हैं, और यू बोथ आर डेस्टाइंड टू बी टुगेदर, ठीक है। तो ये आपके डेस्टिनी में है, यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस पर्सन। लव स्क्रोल्स देख लेते हैं, कुछ लव स्क्रोल्स मैंने निकाले हैं। ओके, ये नहीं आ रहे निकल के, तो मैं कुछ लव स्क्रोल्स देखती हूँ। जैसे मैंने कहा चेंज इन सिचुएशन कार्ड भी आया था, चेंज का, वेयर इज दैट। ओके, ये हमारे कार्ड्स में भी आया था कि चेंज होने वाली है सिचुएशन, एंड डेफिनेटली वी हैव दिस वन सेम हियर। सो बदलने वाली है सिचुएशन, अगर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है बदलने वाली है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सो दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट जो है ट्विन फ्लेम्स, काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट्स है या फिर ट्विन फ्लेम्स है। दूसरा जो मैसेज है वो ना किस यू, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू किस यू, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मैंने कहा एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस था। नेक्स्ट है यहाँ पे वोंट लीव यू, तो मे बी ये पर्सन बार बार आपको छोड़ के जाते हैं, एंड दे आर बींग वेरी क्लियर कि वो नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। दूसरा जो मैसेज है वो है डिवाइन टाइम, तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू बी पेशेंट टिल आपका डिवाइन टाइम आए एंड आपका रिश्ता ठीक हो जाए। दूसरा जो मैसेज है वो है रिलीज टॉक्सिसिटी, तो आपके दिमाग में हो सकती है टॉक्सिसिटी, मे बी आप सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में। जैसे मैंने कहा कि डोंट गो बाय द बुक, लव हेट रिलेशनशिप है आप दोनों में, क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों का रिश्ता काफ़ी लव हेट बेस्ड है। और लास्ट मैसेज जो है वो है फ्रीडम, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी को यहाँ पे रिश्ते से फ्रीडम चाहिए, या फिर रिश्ते में फ्रीडम चाहिए। ओके
सो यही थी रीडिंग, कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और रेगुलरली वीडियो डाल सकूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मेरे और दो चैनल्स हैं, मिस्टिक हिंदी टैरो और डिवाइन हिंदी टैरो, जाके चेक करिएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।